Hello friends, welcome to SSC Tech Super 20. If you want to write a good essay, then you can use these quotations in your essay. अगर एक आप अच्छा और attractive essay लिखना चाहते हैं, तो इन quotations का use आप उन essay में लिखने में कर सकते हैं. जैसे पहला है, first है, Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. इसको जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी सबकी जो है नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, बट उनके लालच को नहीं. इस एस्से को आप लिख सकते हैं एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, क्लाइमेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सभी एस्से में इसको क्वेट कर सकते हैं आप. ठीक है, नेक्स्ट है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट. अगर डेमोक्रेसी का एस्से लिख रहे हैं, इलेक्शन का या एनार्की का, तो इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं जो कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट. अब्राहम लिंकन ने ये भी कहा, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. इसको भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर करप्शन के बारे में आप इससे लिख रहे हैं, द वर्स्ट डिसीज इन द वर्ल्ड टूडे इज करप्शन एंड देयर इज अ क्योर दैट इज ट्रांसपेरेंसी. इसको बोनो ने कहा था कि सबसे वर्स्ट डिसीज इन द वर्ल्ड इज करप्शन एंड देयर इज अ क्योर दैट इज ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट, फाइटिंग करप्शन इज नॉट जस्ट गुड गवर्नेंस, इट इज सेल्फ डिफेंस, इट्स पेट्रियोटिज्म. करप्शन से लड़ना केवल एक गुड गवर्नेंस नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस और एक पेट्रियोटिज्म भी है. इसको क्वेट किया था जो विडन ने. नेक्स्ट, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. इंदिरा गांधी, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस. सेकेंड इज, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम. तो पॉवर्टी पे, क्राइम पे, वायलेंस पे अगर ऐसे आता है, तो उस पर आप इसको लिख सकते हैं, पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम. मतलब क्राइम की, रिवोल्यूशन की और वायलेंस की, सबकी जड़ क्या है, पॉवर्टी और लिटरेसी होती है, इलिटरेसी होती है. साइंस इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, बी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर इससे आता है, तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा क्वेट किया गया है. लाइन आप लिख सकते हो, साइंस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, बी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट. नेक्स्ट, साइंस ऑफ टूडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो. आज का साइंस कल की टेक्नोलॉजी है. इसको भी आप लिख सकते हो, एडवर्ड टेलर के द्वारा क्वेट किया गया है. नेक्स्ट, हेल्थ पे अगर हेल्थ पे लिखना हो आपको, हेल्थ और फिटनेस, योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इन सब पे आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ अ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण धन जो है वो हेल्थ है. ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ. नेक्स्ट, एजुकेशन पे आता है, तो एजुकेशन की बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट लाइन, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. या फिर नेल्सन मंडेला के द्वारा ये है, या फिर एक और होता है, एजुकेशन इज़ द की टू ओपन द डोर ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो एजुकेशन पे काफ़ी सारे हैं. एक वीडियो उस पर हमने बनाया है एजुकेशन पे, जो कोटेशंस हैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, अगर डिजिटल इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ऐसे आएगा, तो उस पर आप लिख सकते हैं, आई सी टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू एम्पावर एंड एज अ टूल दैट ब्रिजेस द डिस्टेंस बिटवीन होप एंड अपॉर्चुनिटी. ये नरेंद्र मोदी ने कहा था डिजिटल इंडिया में, जब वो सिलिकन वैली अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, उस टाइम उन्होंने कहा था, आई सी टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स टू एम्पावर एंड एज अ टूल दैट ब्रिजेस द डिस्टेंस बिटवीन होप एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, नेक्स्ट है, जेंडर इक्वलिटी या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, ऐसे ऐसे आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट आता है. जेंडर इक्वलिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ, इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस. ये कोफी एनन के द्वारा कहा गया. कोफी एनन जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे. वुमेन एम्पावरमेंट में ये काफ़ी अच्छा जो है कोटेशन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग. नेक्स्ट, आप इसे भी मेंशन कर सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट पे, ब्रिंगम हैंग के द्वारा, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, बट यू इफ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन. ठीक है, इस तरह के क्वेट काफ़ी सारे हैं, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली या अ जनरेशन. नॉलेज इज पावर, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. इसको कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. चेंज और रिफॉर्म्स के बारे में लिखना था, वी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड. जो आप चेंज दूसरों में देखना चाहते हैं, उसको पहले अपने अंदर लाना होगा. जो दुनिया में चेंज करना चाहते हैं, उसको पहले अपने भीतर लाना होगा. एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्शन, उसको भी लिख सकते हैं. सोशल इविल्स पे अगर ऐसे आता है, तो द वर्ल्ड विल नॉट डिस्ट्रॉयड बाई दोज हु डू इविल्स, बट बाई दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग.
संसार को उनसे नहीं खतरा है जो इविल करते हैं, बल्कि उनसे जो शांत रहते हैं। द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई दोज हु डू इविल्स, बट बाई दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा काफ़ी फेमस कोटेशन, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। दिस इज कोटेशन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बेस्ड ऑन हैबिट्स। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। एनी टॉपिक यू कैन कोट दिस इन ऑन एनी टॉपिक। फॉर द सेक ऑफ आवर सोसाइटी, आवर इकोनॉमी एंड आवर प्लानट, वी मस्ट हैव करेज एंड कमिटमेंट टू चेंज। अच्छा, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू करेज एंड कमिटमेंट टू चेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पीस वार बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में अगर आता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर विवाद पे आता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो पीस कैन नॉट बी केप्ट बाई फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाई अंडरस्टैंडिंग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये मेंशन किया गया है, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाई फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ठीक है, जुडिशरी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब पे आप लिख सकते हैं इनजस्टिस एनीवेयर इज अ जस्टिस टू एवरीवेयर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ये। नेक्स्ट है हेल्थ इज वेल्थ पे आए, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप, इट इज मेंशन बाय बुद्धा। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।